आज हम इस वीडियो में कुछ खास बात नहीं करेंगे, बस यही बात करेंगे कि हमारे कुछ व्यूअर हैं जो कि कमेंट करते रहते हैं कि गनसेवा एप्लीकेशन का जो सेटअप है वो कहाँ से डाउनलोड करें, या फिर मार्फो का जो सेटअप है वो सब कहाँ से डाउनलोड करें, यानी कि वेब एप्लीकेशन का जो गनसेवा पोर्टल जो ओपन होता है उसका जो सॉफ्टवेयर है वो कहाँ से डाउनलोड करें लाटेस्ट वाला। तो बस इसी के लिए ये वीडियो है, बहुत ही छोटा सा वीडियो है, आप देखते रहिए। मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा कि डाउनलोड कहाँ से करना है। तो सिंपल सा है, आप यहाँ पे जब अपना जो पोर्टल ओपन करते हैं, वेब पोर्टल यहाँ पे देखिए, वेब एप्लीकेशन जो कि आप यहाँ से ओपन करते हैं, ये वाला पेज आपको भी पता है कैसे ओपन करता है। हमारे जितने भी बीसी हैं उनको पता है कि ये पोर्टल कैसे ओपन किया जाता है। तो ये ओपन करते हैं, देखिए यहाँ पे ऊपर में एक ऑप्शन दिया हुआ है जहाँ पे लिखा है डाउनलोड ड्राइवर्स। तो यहाँ पे देखिए डाउनलोड ड्राइवर्स पे क्लिक करते हैं, ये ओपन हो गया। और यहाँ पे देखिए डाउनलोड फिंगरप्रिंट पिन पैड ड्राइवर बिलो, यानी कि यहाँ से नीचे से ये सिलेक्ट करेंगे। देखिए यहाँ पे 3M, ये फिंगरप्रिंट के लिए है, ये 3M, इवोल्यूएट, मंत्रा, ये स्टार, टेबलेट्स, मार्फो, मार्फो L1, ये सब जितने भी है फिंगरप्रिंट के लिए, ये यहाँ से हम सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर सकते हैं और इंस्टॉल कर देंगे, सिंपल सा है। उसके बाद ये पिन पैड ड्राइवर्स है, ये पिन पैड पैक्स यहाँ से डाउनलोड करेंगे। अगर आप मिनी ATM रखे हैं तो आप यहाँ से ड्राइवर इसका डाउनलोड करेंगे। अब रही बात गन सेवा ड्राइवर की, तो यहाँ से देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है डाउनलोड गन सेवा ड्राइवर्स। तो आप यहाँ पे क्लिक हेयर टू डाउनलोड गन सेवा पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे देखिए जैसे मैं क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पे एक नोटिफिकेशन आएगा आपको, ये लिंक लिखा रहेगा, और यहाँ से सिर्फ ओके पे क्लिक कर देना है। और देखिए यहाँ पे डाउनलोड होने लगा, तो ये मेरे पास पहले से ही डाउनलोड है, तो यहाँ से आप इंस्टॉल कर सकते हैं। ये डाउनलोड होकर ओपन हो गया, यहाँ से आप इंस्टॉल भी कर सकते हैं। तो इस तरह आप इसको सिंपल सा डाउनलोड भी कर सकते हैं, न्यू वर्जन, और इंस्टॉल भी कर सकते हैं। तो अब मैं इसमें एक और छोटी सी जानकारी जोड़ना चाहता हूँ, यानी कि जैसे अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो गई है, यानी कि जैसे आपका पेमेंट फंस रहा है या पेमेंट में कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो आप उसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो उसके लिए आप यहाँ पे देखिए एक टोल फ्री नंबर दिया गया है, ये नंबर आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, या फिर इस नंबर पे मैंने बहुत बार ट्राई किया है, ये नंबर वाले कभी फ़ोन नहीं रिसीव करते हैं या फिर इस पे कभी फ़ोन ही नहीं लगता है। और ये उसके बाद ये वाला ऑप्शन छोड़ के उसके बाद एक ईमेल का ऑप्शन है, आप ईमेल भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे ईमेल थोड़ा सा जो है ये थोड़ा सा कमांड फॉर्म में है, यानी कि आपको इसे क्रैक करना होगा, उसके बाद ही आप इसको मेल कर सकते हैं। ये आप क्या करेंगे, इसको कॉपी करेंगे, यानी कि देखिए यहाँ से आप इसको इसे सेलेक्ट करके और कॉपी कर लेंगे, और कॉपी करने के बाद कहीं पे भी पेस्ट कर देंगे। यहीं पे हम पेस्ट करके आपको दिखाते हैं, यहाँ पे पेस्ट करेंगे। और इसको क्रैक क्या करना है, यहाँ से जैसे ये देखिए कोष्ठक में लिखा हुआ है डॉट, तो यहाँ पे ये सबको काट के और उसके बाद लिखेंगे डॉट, ऐसा करना है। और उसके बाद ये यहाँ पर देखिए ऐट लिखा है, यानी कि ऐट रेट, इसको भी ऐसे पूरा काटेंगे और उसके बाद यहाँ पे ऐट रेट लिख देंगे। और इसके बाद यहाँ पे भी डॉट लिखा हुआ है, इसको भी ऐसे सारे को काट के और यहाँ पे ऐट रेट लगा देंगे, यहाँ पे डॉट लगा देंगे। तो इस तरह देखिए ये हमारा ओरिजिनल ईमेल आईडी बन चुका है, या support.fi@atrt.com। तो ये है हमारा ईमेल आईडी, आप इस पे मेल कर सकते हैं, अपना पूरा जो डिटेल है, हिस्ट्री और स्क्रीनशॉट डाल के आप मेल कर सकते हैं। आपको जो भी कोई प्रॉब्लम है तो आप यहाँ से मेल करके आप अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करा सकते हैं, या फिर अपने डिस्ट्रिक्ट मैनेजर से बात करके ये प्रॉब्लम सॉल्व करा सकते हैं, या फिर अपने ब्रांच में कांटेक्ट कीजिए, वहाँ से भी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व की जाती है। तो ये सा छोटा सा अपडेट था आपके लिए, क्योंकि हमारे कुछ व्यूअर बार बार पूछ रहे थे डाउनलोड ड्राइवर्स कहाँ से डाउनलोड होते हैं। तो ये हमने आपको क्लियर कर दिया कि डाउनलोड कहाँ से
ड्राइवर्स कहाँ से डाउनलोड होते हैं। तो आज की वीडियो में बस।